सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल के डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि कल बाजार में जो है किस हिसाब से माहौल बनने वाला है, क्योंकि काफी जो है अनसर्टेनिटी के साथ जो है क्लोजिंग हुई है। अगर सारे आप इंडिसेस को चेक करेंगे और डेटा भी दोस्तों कुछ इसी टाइप का जो है इशारा कर रहा है। सो डेटा को डिकोड करना और डेटा को पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे समरी की। तो यहाँ पे देखिए, जो समरी पे क्लाइंट है इंडेक्स फ्यूचर पे जो है शॉर्ट सेल किया है, कॉल पे लॉन्ग है, इंडेक्स पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। एफ ए की बात करेंगे तो इन्होंने फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग करके कॉल में सेल की या इनपुट में सेल की, साथ में स्टॉक फ्यूचर भी बेचा है। अब हम प्रो की बात करते हैं तो फ्यूचर खरीदा है, कॉल सेल किया, पुट सेल किया, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। डे की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया है, पुटे खरीदा है और स्टॉक फ्यूचर भी सेल किया है। तो दोस्तों समरी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जो है डेटा यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि चेंज तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम उसी डेटा को जो है यहाँ पे डिटेल में जानते हैं, सो डैट हमें फिगर आउट करने में जो है आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की। इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट के पास 115 की जो है सेलिंग है, एफआई के पास 213 का लॉन्ग है और ब्रो के पास 41,000 का सेल पोजीशन है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 297 का शॉर्ट सेल है, एफआई के पास 299 का लॉन्ग है, ब्रो के पास 3279 का शॉर्ट सेल। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 528 का जो है शॉर्ट सेल है, एफआई के पास 275 का लॉन्ग और प्रो के पास 377 का शॉर्ट है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 19 लाख लॉन्ग, देन आफ्टर डीआई के पास 286 का शॉर्ट सेल, एफआई के पास 488 का लॉन्ग और प्रो के पास 424 का जो है यहाँ पे लॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो यहाँ पे काफ़ी कुछ बदला बदला सा लग रहा है, यानी कि बाजार का जो माहौल है, जो उसकी तबीयत है, वो बदल सकती है। इस डेटा को देख के हमें एक चीज़ जो है समझ में आ रहा है कि बाजार का जो माहौल है ना, वो बदलना चाहिए जिस हिसाब से डेटा इंडिकेट कर रहा है। सो आइए दोस्तों हम डेटा को जो है थोड़ा यहाँ पे डिकोड कर लें, एक आइडिया ले लें क्या यहाँ पे माहौल है। तो सबसे पहले क्लाइंट का डेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके पास 115 का जो है फ्यूचर शॉर्ट सेल है, साथ में 297 का दोस्तों कॉल भी सेल है एंड 528 का इनके पास पुट भी सेल है। तो अब देखिए जो इनके पास M2M है ना, तो इनके पास जो M2M है दोस्तों वो 114 जो है यहाँ पे, यानी कि 1,14,000 के करीब अब इनके पास लॉन्ग है, यानी कि ये भी अपनी डायरेक्शन अब बदलना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे FII की, फॉरेन इन्वेस्टर की। तो इनके पास देखिए 2,13,000 का फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 299 का जो है इनका कॉल भी लॉन्ग है, जो कि प्रीवियस से 50% रिड्यूस हुआ है। देन आफ्टर इनके पास 275 जो है पुट लॉन्ग है और वो भी 50% रिड्यूस हुआ है। तो अब इनका जो M2M हो जा रहा है 236 लॉन्ग। अब इनके पास देखिए 2,36,000 के दोस्तों लॉन्ग हो गए। अब देखिए इनके जो लॉन्ग्स थे वो हूबहू ऐसे लग रहा है कि बरकरार ही है, क्योंकि दोनों साइड से पोजीशन रिड्यूस की है, तो इनसे कोई खास समय फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। अब हम देखते हैं प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 41,000 का जो है शॉर्ट सेल है, देन आफ्टर इनके पास 3279 का जो है कॉल यहाँ पे शॉर्ट है एंड 377 का जो है यहाँ पे इनके पास पुट जो है शॉर्ट है। सो टोटल इनका जो M2M हो जाता है 3,32,332,000 का जो है लॉन्ग है, और ये जो इनके लॉन्ग्स है ना, यानी कि जो पुट सेल है, ये नन ऑफ दिस, ये जो है बैंक निफ्टी का डेटा है। अगर आप ऑप्शन चैन एनालाइज करोगे तो आपको उसमें इनके क्लियरली डेटा आते हुए आपको दिखाई देंगे। देन आफ्टर अगर आप क्लाइंट का डेटा देखोगे तो इनके पास भी लॉन्ग है, लेकिन इनके लॉन्ग रिड्यूस हुए हैं, और एफआईआई के पास भी लॉन्ग है। इनके जो मेजर लॉन्ग है वो इंडेक्स पे है, और इनका भी कहीं ना कहीं वो बैंक साइड है, यानी कि बैंक निफ्टी, क्योंकि जब बैंक निफ्टी ने एक अपने लेवल को ब्रेक किया था जो कि इंपॉर्टेंट वाला था, तो हमने एक बात बोली थी कि इंडेक्स में निफ्टी के पास थोड़ी रूम कम है, लेकिन जिस हिसाब से बैंक निफ्टी अभी निकल रही है, बैंक निफ्टी के पास एक अच्छा खासा जो एरिया, अच्छा खासा जो है रूम है कि वो अपने उस लेवल को अचीव कर सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना नया हाई नहीं लगाया। तो पॉसिबल है कि निफ्टी यहीं कहीं कंसोलिडेट करता रह जाए, तब तक जो है बैंक निफ्टी अपना जो है काम कर जाए, यानी कि बैंक निफ्टी अपने उस लेवल को जो है प्राप्त कर ले जिसके लिए कई दिनों से तकलीफ में है।
तो आइए हम टेक्निकली जो है लेवल को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, देन आफ्टर हम ऑप्शन चेन को देखेंगे एंड फिर हम वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा सेटअप किस हिसाब से बन रहा है, क्या हमें फोकस करके चलना है। सो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस है 25460 का, सपोर्ट दोस्तों 25185 का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे निफ्टी पे तो एक 2G कैंडल जो है फॉर्मेशन हुआ है टॉप पे, और बहुत ही एक बढ़िया जो है सेटअप है। देखिए ये दोनों साइड का सेटअप है, अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, अपर लेवल पे कई लोगों के लिए फ्लैग भी है, तो माइट बी पॉसिबल कि ये फ्लैग या तो ब्रेकआउट करे और या तो ब्रेकडाउन करे, क्योंकि इसमें दोनों ही जगह जो है बाजार के जाने के चांसेज होते हैं। जिस हिसाब से सिचुएशन है बाजार की वर्ल्ड मार्केट की, उस हिसाब से यहाँ पे गैप अप दिख रहा है। अगर वो गैप अप फेल होता है दोबारा, अगर ये आके एंड 25300 को ब्रेक करता है, तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि इसका जो ब्रेकडाउन है वो जो है यहाँ पे हो रहा है, और उस कंडीशन में एक प्राइस एक्शन का वेट करके देन आफ्टर हम अपना जो ट्रेड है डे का वो सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अगर कोई भी गैप अप हो और इस जोन के बाहर सस्टेन करने लगे तो फिर हमारा वहाँ से व्यू बाई होगा, लेकिन जो प्राइस स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है निफ्टी के केस में वो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस वाला है। इमिडिएटली मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा खासा जो है गिर जाएगा या बहुत अच्छे खासे शेलिंग के जो है जगह बने हैं, लेकिन जो सिचुएशन दिख रही है वो ये कह रही है कि यहाँ पे कॉशियस वाला भी जोन हो गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे दोस्तों बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 52500 का है और सपोर्ट दोस्तों 51500 का है। तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे सेटअप के साथ चल रही है, इनसाइड डेटा काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन एक जो इसने आज पैटर्न की जो फॉर्मेशन की है ये थोड़ा सा रिस्की वाला जो है हो जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से गई है इसका जो प्राइजेक्शन है वो बहुत बुरी तरीके से जो है क्रिएट हुआ है। तो मैं एक लेवल यहाँ पे जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको आप कल ड्रॉ करके रखिएगा। अगर ये लेवल होल्ड है बैंक निफ्टी के लिए जो कि 51900 का एरिया है, तब तो हमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, और अगर ये 51900 के करीब आके यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर चलता है, इसको ब्रेक करे या पहले ही कन्फर्मेशन मिले या कुछ यहाँ पे चार्ट पे समझ में आए, तो हमारा जो बाई ट्रेड है वो यहाँ पे प्लान हो सकता है, एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। ये सेटअप है बैंक निफ्टी का, इनसाइड डेटा पॉजिटिव है, लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा बहुत तेज़ी से बदलता है, आप सब लोगों को पता है। तो अगर इसने 51900 को ब्रेक किया तो फिर ये समझिए कि दे दनादन करके गिर जाएगी। अगर 51900 नहीं होल्ड कर रही है, बस ऐसा नहीं कि एक बार आए नीचे फिर ऊपर चला जाए तो उसको ब्रेक करना नहीं बोलते हैं, देन आफ्टर इसमें व्यू जो रहेगा वो बाई इन डिप का ही रहेगा, यानी कि बाई का ही रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग काफ़ी इसकी शानदार ब्यूटीफुल जो दिख रही है। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का, तो फाइनेंस निफ्टी का देखिए यहाँ पे जो डेटा है वो इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी जो है कॉशियस डेटा है, और काफ़ी जो है कॉशियस के साथ जो है क्लोजिंग हुई है, बहुत मतलब दोनों दिन की अगर देखेंगे, और अगर कल ये 23885 के नीचे अगर सस्टेन करने लगा तो इसके लिए थोड़ा रिस्क भी हो जाएगा, ये भी आपको समझना है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना है 24100 का और सपोर्ट दोस्तों 23885 का। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे आप जो कि हम बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की, तो ये भी अपना सिमिलर जो बैंक निफ्टी वाला जो सेटअप है वो इसने यहाँ पे दिया हुआ है और उसके लोअर लेवल पे आके क्लोज हुई है। तो अगर इसको ऊपर जाना है यानी कि अपसाइड मूव देना है, तो सबसे पहले एक डाउनसाइड मूव दिखाएगी, ट्रैप करेगी, नियर 23900 आएगी, हो सकता है कि एक बार 900 को ब्रेक भी करे, एंड देन आफ्टर वहाँ से बाउंस ये मार सकती है। तो हमें इसी लेवल का जो है ख्याल रखना, इसी लेवल का वेट करना है। 23900 पर ना आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखिए, अगर ये लेवल सपोज कीजिए अगर ये लेवल आता है, नहीं ब्रेक होता है, एक बार ब्रेक करके भी बाउंस बैक कर देता है और वहाँ पे फाइनेंस निफ्टी प्रॉपरली होल्ड करने लगे और आपको दिखाई दे कि उसके बाद आने के बाद ये 955 का लेवल यानी कि 23955 का लेवल अगर ब्रेक करे, तो फिर वहाँ पे सेटअप बाई का है और बहुत ही बढ़िया मूव हमें दिखाई देगी, क्योंकि उस समय क्या होगा कि वो सेलर को ट्रैप कर चुकी होगी, सेलर अपने उस बिल्कुल कि अच्छा फॉल हो जाएगा उस ड्रीम में जा चुके होंगे। और पैसा दोस्तों तभी बनता है, अच्छा मूव तभी मिलता है जब एक साइड की कोई भी पार्टी ट्रैप होती है, और बेसिकली हमें उसी जो है साइकोलॉजी जो है सिचुएशन को फॉलो करना है, यानी कि हमें उसी के लिए वेट करना है कि कोई एक पार्टी ट्रैप हो जाए, तब जाके हम एंट्री करेंगे। बाकी स्टॉक वाइज जो भी मूव होगी वो हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब अगला जो इंडेक्स है हमारा वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स ने भी काफ़ी कह सकते हो कि आप
डाउट वाली जो है क्लोजिंग दी है। पैटर्न अगर देखोगे तो सेंसेक्स का हो चाहे निफ्टी का हो, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ट्रायंगुलर फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है, इसमें भी कहने के लिए फ्लैग भी है, तो इसका डाउन एंड अप दोनों का जो ब्रेकआउट पॉसिबल है। लेकिन चूंकि इसकी एक्सपायरी तो है निकल, तो आपको पता है कि हम फ्राइडे तक केवल इसको वॉच करते हैं। बेसिकली इस पे हम फ्राइडे ही ट्रेड प्लान करते हैं। तो कल हमें यही देखना है इसकी क्लोजिंग की 82,500 के नीचे हो रही है कि ऊपर। अगर ये 82,500 के नीचे क्लोज कर ले गया तो समझिएगा कि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बन जाएंगे, सेंसेक्स आपको इंडिकेशन दे देगा। इसलिए आप सेंसेक्स की क्लोजिंग बहुत क्लोजली जो है वॉच कीजिएगा। ये यहाँ पे प्राइस जो इसका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिखा रहा है, कह रहा है क्लियरली। अब हम चलते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो आज हमने स्टॉक के बेस पे एक ही स्टॉक दिया था जो कि था बायोकन, उसने ठीक ठाक मूव दे दिया। अब कल हम बात करेंगे डीएलएफ के लिए। डीएलएफ देखिए एग्जैक्टली ब्रेकआउट जोन पे था, लेकिन आज इसने ब्रेकआउट सस्टेन किया नहीं, फेल हो गया। तो कल अगर ये 860 के नीचे सस्टेन होता है तो ये कल का सेल कैंडिडेट बनेगा। इसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है पॉलीकैप, जिसको हम लोगों ने दिया भी था। यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि गिरेगा और ये फिर से थोड़ा सा भी अंडर प्रेशर रह सकता है, तो इसके ऊपर ध्यान देके चलना है। अगला जो स्टॉक था एक्सिस बैंक, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पे यहाँ पे पकड़ा था रेड कैंडल पे, और वहाँ से बहुत अच्छे खासी मूव इसने दी है, बहुत बेहतरीन ब्यूटीफुल मूव। और जो मैंने टारगेट दिया था कि ये 123730 के जोन तक अप्रोच कर सकता है, वहाँ पर जाके अब ये मूव करता हुआ दिख रहा है। तो स्टिल अगर ये क्लोजिंग ले लेता है कल 1232 के ऊपर, तो फिर से ये यहाँ पे पहुँचने की काबिलियत रखता है। एक स्टॉक जिसकी पुट ऑप्शन हमने दी है, क्वांटिटी लिमिटेड रखी थी क्योंकि इवेंट ओवर हो चुका है, तो एक सेंटिमेंट प्रॉफिट बुकिंग जो बनती है, आई होप जिसने भी लिया होगा उसको अच्छा गेन मिलना चाहिए। किसने किसने लिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद है कि आपने मेरे वर्ड को फॉलो करके क्वांटिटी कंट्रोल में की होगी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन चेक एनालिसिस करते हैं। उसके पहले आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक अपना एक्सनेस वाला अकाउंट नहीं ओपन किया है और आप चाहते हैं कि लो फंड के साथ आप यूएस ऑयल में या गोल्ड में जो है काम करना चाहते हैं, तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इस एक्सनेस का जो अकाउंट है वो आप ओपन कर सकते हैं और इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे बिटकॉइन और ये जो भी आप कम्युनिटी में अगर काम करना चाहते हैं तो लो फंड के साथ काम कर सकते हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन की। तो यहाँ पे देखिए जो निफ्टी का ऑप्शन चेन है इसमें टोटल जो है 37 लाख के कॉल सेलर हैं एंड 36,55,000 के पुट सेलर। तो ये आपको समझ में आ गया कि डेटा जो है निफ्टी का कहीं ना कहीं चेंज होने के कगार पे आ रहा है, इसलिए हमें ध्यान देके चलना है। अगर हम देखें कॉल बैर, तो कॉल बैर जो है बिल्कुल एटीएम तक हैं, बट बाहर के एक दो स्ट्राइक के बाद जो है गायब होना शुरू हो चुके हैं। और सबसे जो अच्छी वाली ओआई है नियर में वो 25,400 की है, जहाँ पर बाजार बिल्कुल क्लोज हो चुका है। और अगर पुट की ओआई देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 25,400 पे ही है, लेकिन कंपेयर टू कॉल सेलर कम है, यानी कि इनका जो पार्टी है वो वीक दिख रहा है, इनकी पार्टी कमज़ोर हो रही है पुट सेलर की, क्योंकि नया कोई पुट सेल करने में अब यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। 25,200 पे इससे ज़्यादा सेलर हैं, यानी कि अगर बाजार इधर से निकलेगा तो धीरे धीरे 25,200 की तरफ अप्रोच कर सकता है। तो डेटा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि डेटा जो है अब विंडो फेज में आ चुका है। विंडो फेज मतलब कि अब बदल भी सकता है या यही डेटा कंटिन्यू रह सकता है, मतलब यहाँ पे अनसर्टेनिटी थोड़ी रहेगी। इसलिए मैंने बोला कि प्रॉपर जो है प्राइजेक्शन का हमें वेट करना पड़ेगा और तब जाके वहाँ पे हमें कुछ बात बनती हुई नजर आएगी। सो हम लोग चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। इसका डेटा थोड़ा सा जो है चेंज होता हुआ तो नज़र आ रहा है दोस्तों। इसका डेटा भी थोड़ा मुझे रिस्क पे लग रहा है, इसमें प्राइजेक्शन का देखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा कॉशियस होकर चलिएगा, क्योंकि आज पॉजिटिव है कल अपनी पारी ये बदल सकता है, बहुत ही धोखेबाज प्राणी है ये। यहाँ पे देखिए 60 लाख के जो है कॉल सेलर हैं एंड 34 लाख के जो है पुट सेलर हैं। अगर आपने देखा होगा तो जिस दिन मूव आई थी तो इधर सब जगह जो है बैर थे, अब ये बैर देखिए धीरे से घटते हुए नज़र आ रहे हैं और इससे डेटा में जो है फियर आ रहा है, तो फियर जो ग्रीड का मीटर है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए टोटल 52,200 पे अच्छे खासे सेलर हैं जो कि 1 लाख के करीब हैं, और पुट सेलर जो धीरे से बैठे हैं ना वो 52,000 पे बैठे हैं, और वो कहीं ना कहीं 52,000 ब्रेक होने के बाद गिव अप कर सकते हैं। नया कोई सेलर जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके बाद मेजोर डेटा जो है हमें 51,500 पे स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि मेक एंड जो ब्रेक लेवल है ना वो कल के लिए 52,000 है। तो बैंक निफ्टी के लिए सिंपली एक ही काम करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आराम से मारिए 52,000 पे। अगर 52,000 आपका बिल्कुल होल्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है,
और अगर 52,000 टूटता है तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, तो फिर हमें उस हिसाब से सेल करके चलना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है आपको कल के सेशन में हेल्प करती हुई नजर आएगी। फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं @NIFTYID है, सर्च कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।